الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद हामिद हुसैनी, सामाजिक कारकुन हज़्ब ख़ैर जनाब गुलाम यज़दानी साहब, कन्वीनर महाफिल गन फाउंड्री मस्जिद आलिया। अब आपकी खिदमत में आज का उन्वान और मुखर्रिर साहब का तारुफ पेश कर रहा हूँ। आप हजरात डॉक्टर अखिल हाशमी साहब से बखूबी वाकिफ हैं। मौसू खुद के तजवीज़ करदा उन्वान निज़ाम अल मुल्क तूसी वज़ीर मुदब्बिर पर रोशनी डाल रहे हैं। हमारी आज की ये महफिल तारीख इस्लाम 595 निशिस बरोज़ हफ्ता 20 अप्रैल 2013 मुताबिक 9 जमादिल आखिर 1434 हिजरी जामे मस्जिद आलिया गन फाउंड्री के कॉन्फ्रेंस हाल में बाद नमाज असर मुनक़िद हो रही है। हाफिज़ क़ारी मोहम्मद इरफान अहमद साहब की खुश इल्हम क़िरत से आगाज़ हुआ। मैं डॉक्टर अखिल हाशमी साहब से गुजारिश करता हूं कि वो शहर नशीन पर तशरीफ़ लाए और हमें अपने खिताब से सरफराज फरमाए। जिन्होंने अल्लामा इकबाल के फ़ारसी कलाम का उर्दू में तर्जुमा किया है और इस खुसूस में वो बैनुल अक़वामी शोहरत रखते हैं। आज बाद मगरिब उर्दू हॉल में मुस्तर मजाज साहब का एक मजमू कलाम उसकी जराई अमल में आ रही है और यहाँ के आपके जाने पहचाने स्कॉलर जनाब ज़ियाउद्दीन शिकैब साहब उसका उसको किसी जराई अमल में ला रहे हैं। बाद मगरिब के प्रोग्राम शुरू होगा लेकिन 6:30 बजे से कुछ चाय नोशी और फिर नमाज मगरिब और फिर उसके बाद 7 बजे प्रोग्राम। मैं चूँकि उनकी आपकी इजाज़त से जा रहा हूँ, वहाँ पर भी इंतजाम देख रहे हैं, लिहाजा मैं आप तमाम से गुजारिश करता हूं कि यहां से सीधे आप उर्दू हॉल तशरीफ़ लाएं और उस प्रोग्राम में शिरकत फरमाएं, क्योंकि वो ऐसा प्रोग्राम है जिससे आप न सिर्फ एक अदबी महफिल से इस्तेफादा कर सकेंगे बल्कि ये है कि हमारे खुद के एक कर्ता धर्ता कहिए मुस्तर मजाज साहब, जैसे कि मैंने कहा बहुत ज़माने से वो वाबस्ता है हमारे महाफिल से, तो मुझे यकीन है कि आप उर्दू हॉल तशरीफ़ लाएंगे यहाँ से और किसी तरह से 7 बजे प्रोग्राम आगाज़ हो जाएगा, वरना वैसे 6:30 बजे आप तशरीफ़ ला सकते हैं। शैतान बसमीम सदरी वाहली صدق الله مولانا العظيم وفي مقام آخر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى صحبه وسلم। محترم بزرگوں دوستو, تاریخ اسلام کی 525 یہ نشست ہے, इसका उन्वान है निज़ामुल मुल्क तूसी। एक वज़ीर हैं और मुदब्बिर की हैसियत से वो जाने जाते हैं। मुदब्बिर यानी साहिब तदबीर। शायद मेरी गुफ्तगू से ये बात आपके जहन में आ जाए कि मुदब्बिर का क्या मकाम और मर्तबा होता है।
और वजीर और उसकी जमा गुजरा, कई वजीर जहाँ इधर जमा होते हैं या किसी सल्तनत में मुख्तलिफ उमूर को अंजाम देते हैं, तो उनको जमा के सिलसिले में गुजरा या वजीरों की जमा या वजीर कहते हैं। ये वजीर है क्या? वजीर लुगत के अतबार से उसके सही माना बोझ उठाने वाले के, बोझ उठाने वाले के। हाकिम बादशाह जो सल्तनत का हाकिम होता है, हुक्मरान होता है, वो मुख्तलिफ उमूर में अपने आप को मसरूफ और मुनहमिक रखता ज़रूर है, लेकिन शायद मुख्तलिफ उमूर पर उसकी कमाह खो नज़र नहीं जाती, इसलिए अपने वक्त को अपने काम को वो मुनकसिम करता है, तकसीम कर देता है, अपना शरीक कार बनाता है। इसी वजह से उसके शरीक काम में शरीक होने वाले को वजीर कहा जाता है। वजीर बातदबीर या मुदब्बिर इसी वजह से कहा जाता है कि बहुत सारे उमूर में सल्तनत के इख्तदार के इंतजामिया के वसाइल और मसाइल के मामलात में बादशाह की हमदमी हम कदमी जब चाहता है तो वो वजीर है। और फिर ये देखिए कि तारीख है क्या? तारीख दरअसल माजी के किस्से नहीं है, कहानियाँ नहीं हैं, बल्कि माजी के वो वाक़यात हैं कि जिनसे सबक हासिल किया जा सकता है, हमारी अपनी ज़िंदगियों में इनकलाब लाया जा सकता है, मुस्तकबिल को संवारने की एक मुसलसल कोशिश हो सकती है। क्योंकि गुज़श्ता ज़मानों में हमारे दरमियान जो बुज़ुर्ग गुजरे हैं, जो अहलुल्लाह गुजरे हैं, जो साहिब इख्तदार गुजरे हैं, जो हाकिम गुजरे हैं, जो दानिशमंद और फरीज गुजरे हैं, उनके तमाम उनके वाकयात उनकी ज़िंदगी के हालात से हम वाकिफियत और आगाही हासिल करने के बाद हम अपनी ज़िंदगियों का महासिबा करें और जायज़ा लें तो पता लगेगा कि हम में और उनमें कितना तफावत है, किस कदर फ़र्क व इम्तियाज़ है। वो भी तो शख्स थे, वो भी तो इंसान थे, वो भी आदम की औलाद थे, लेकिन उनके सीरत और उनके किरदार में क्या फ़र्क और क्या इम्तियाज़ था जो आज हमारे दरमियान नहीं है। सच बात तो ये है मेरे दोस्तों बुजुर्गों, शख्सियतों का मुतालिया करना, हालात पर नज़र डालना, मुख्तलिफ शख्सियतों की ज़िंदगी के वाक़यात से आगाही हासिल करना खुद परवरदिगार आलम की भी तो सुन्नत है। खुद परवरदिगार आलम ने कुरान मजीद में अम्बियाम के वाक़यात, नेक बंदों के बरगुजीदा मुंतखब बंदों के वाक़यात बयान करता है, उनके ज़माने में होने वाले ऐसे अजीब व गरीब वाक़यात का आपके सामने मुजाहरा फरमाता है और फिर मोजज़ात के ज़रिए से उनको फहम देने की फ़िक्र करता है ताकि आपकी ज़िंदगियों में एक इनकलाब बरपा हो। और परवरदिगार का जो मंशा है, जो मकसद है, मकसद कायनात है, वो शायद सामने आ जाए। मकसद कायनात और परवरदिगार का मकसद कुछ और नहीं है, कहा गया उमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने इंसानों और जिन्नों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। बंदगी सबसे बड़ा फ़र्ज है इंसान की अपनी ज़िंदगी का। किसकी बंदगी करें? उस वादहु ला शरीक की बंदगी करें, उस खालिक़ मुतलक़ की बंदगी करें जो तमाम कायनात का मालिक है, मुख्तार है, रोज़े जज़ा का भी मालिक है, यहाँ की ज़िंदगी नहीं वहाँ आखिरत की ज़िंदगी का भी मालिक है, वो मालिकुल मुल्क है। इसी जहन को सामने रखकर परवरदिगार आलम ने कुरान में मुसलसल आदम से लेकर ईसा और ईसा के बाद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा के वाक़यात को कुरान में मुंदरिज करता है। उसकी वजह यही है, वरना कुरान में देखिए तो है क्या? तो मालूम हुआ कि कुरान में जहाँ वाक़यात पैगंबरों के, वहाँ दर्स और इबरत और नसीहत भी है। और शायद आपको पता है कि उसमें वजीरों का भी जिक्र आया है। आपने कहा कि ये वजीर का जिक्र इसमें क्या है पैगंबरों के साथ, तो आपको पता है कि अभी मैंने जिस आयत की तिलावत की उसमें साफ लफ्जों में कहा गया कि जब मूसा अलैहिस्सलाम को यह हुक्म हुआ कि फिरौन के पास जाएं और वादहू ला शरीक की
शरीक की अजमत बताएं, वहदत और कुदरत का मुजाहरा क्या होता है उसकी फहम में लाए, और उसने जो खुदाई का दावा किया था उससे एराज करने और बंदगी पे मायल होने पर और खुदा को एक मानने पर उसको मायल करने की दावत देने का हुक्म दिया गया। ऐसे में मूसा अलैहिस्सलाम ने परवरदिगार आलम की खदमत में अर्ज किया, रब्बी इशराह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली व हारून वज़ीर। क्या कहा कि ऐ मेरे रब कि मेरी जबान को खोल दे, रब्बी इशराह ली मेरे सीने को खोल दे, रब्बी इशराह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी और मेरे हुक्म को इतना बासर कर दे। वाहलुल उक़दतम, मैं मुख्तसर से आयत का तर्जुमा कर रहा हूँ, आपके पास तफासिर मौजूद हैं, तराजीम मौजूद हैं, इस आयत का तर्जुमा उसकी तफसीर आप मुलाहिज़ा फरमा सकते हैं। आपको बताऊं तो वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी कि मेरी जबान को खोल के गिरा को खोल दे। वो गिरा क्या थी आपके इल्म में है कि बचपन में जब फिरौन ने आपका इम्तिहान लेना चाहा तो कहा जाता है रवायतों में है कि एक तश्त में दहकते शोलों को आग को रखा गया और दूसरे में दहकते इसी तरह के लाल सुर्ख हीरे रखे गए, लाल याकूत जिसे हम कहते हैं। इस मासूम बच्चे को उसके सामने रख दिया गया और ये देखना चाहा कि आखिर इसकी मासूमियत क्या है, क्योंकि वाकई ये वो उसने जो कहा था कि मेरा दुश्मन पैदा हो रहा है, इसलिए उसने तमाम बच्चों का कत्ल कर दिया था। तो रिवायतों में है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आग की तरफ लपके और बड़ा तेजी के साथ उन्होंने आग का एक जो हिस्सा था कोयले का टुकड़ा था लेकर उन्होंने अपने मुंह में डाल लिया। फौरी परवरदिगार का हुक्म हुआ और फौरी उससे आपको बचा लिया गया और फिर उसका रुख इस तरह का बात। तो आपकी जबान में भी कहा जाता है कि गिरा, यानी एक तरह की रुकूनत जिसे कहते हैं हम, स्टैमरिंग जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं कि रुकते हुए लोग बाद लोग अपने लफ्जों को अदा करने में तकल्लुफ बरतते हैं, एक लफ्ज को बार बार दोहरा देते हैं। इस चीज को जहन में रखकर खुद परवरदिगार की जनाब में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की कि रब इशराह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। और फिर देखिए मेरे कौल में भी वो बात पैदा कर, उसके बाद का टुकड़ा उन्होंने कहा कि वो हारून वज़ीरा और हारून जो मेरे भाई हैं उनको मेरा बोझ उठाने वाला बना दे, वजीर बना। तो आपको पता है कि वजारत कोई बड़ी बात आम बात नहीं है, आज के वजीरों पर जाइए तो अंदाजा हो जाएगा कि वजारत क्या चीज होती है। वो मसाइलों के वसाइल हों, इख्तदार के आने पर जो अपने में जब्त, अपने में मुरव्वत, मोहब्बत, रवादारी, एहसास जिम्मेदारी और जज्बे मोहब्बत और मवद्दत जहाँ दवाम में होना चाहिए था उसे यहाँ के उजरा आ रही हैं, उनको पता ही नहीं कि वजारत क्या होती है। ये समझते हैं कि हाकिम बने बैठे हैं। ये छोड़ दीजिए, मुझे मेरा ना मौजू है और ना मैं इस पर गुफ्तगू करना चाहता हूँ करता, लेकिन बात बताना चाहता हूँ कि वजारत क्या होती है। दरअसल बोझ को उठाना है। इसी तरह निज़ामुल मुल्क तूसी की बात आती है। और फिर मैं आपको बताऊं हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास भी तो उजरा थे। एक वजीर का नाम मैं अपने मौजू पर आने से पहले इसलिए आपके जहनों में इस तरफ मबजूल करा रहा हूं आपके जहनों को कि अंदाजा हो कि वजारत क्या चीज होती है, वजीर क्या होता है। और वजीर जो फरीस होता है, मुदब्बिर होता है, साहिब इख्तदार के बावजूद बादशाह की पूरी इताअत हो फरमा बरदारी को भी मलूज रखता है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का जमाना है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अजमतों का अंदाजा कीजिए कि परवरदिगार आलम ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को इतनी वसी सल्तनत अता फरमाई थी कि कहा जाता है कि इतनी बड़ी सल्तनत किसी और को नसीब नहीं। और फिर आपके जेर इख्तदार, आपके जेर नगी
आपके जेरे हुक्म जमीन व आसमान चरिंद परिंद देव परी हर एक आपका मुती व फरमा बरदार था। क्या दरिंदे और क्या चरिंदे सब पढ़ा, अब परिंदे तो आप अपने दरबार में उन सबको कभी कभी तलब फरमाते, कुछ आपके लिए जिम्मेदारी उजरा के एतबार से मनसूख कर दी जाती थी। हुदहुद को भी आपने मुकर्रर फरमाया था कि तुम्हारा काम यह है कि जहां कहीं मैं सफर पे हूं तो मेरे वजू के पानी का इंतजाम तुम्हारे तफीज होना है। यानी हुदूद में परवरदिगार आलम ने यह सलाहियत दी है कि वो उड़ते हुए अपनी परवाज के दौरान भी जमीन के तबकात पर नजर रखता है और वो ये देखता है कि पानी की सहूलत या पानी की निकासी किस जगह मुमकिन है। देखिए परवरदिगार आलम की कुदरत का है अजीम नशानी है हुदूद को। तो एक मरतबा ये हुआ कि हुदूद निकल गया और सफर करता 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 एक ऐसे मुल्क में पहुंच गया जिसको मल सबा कहते हैं, सीन से आता है सबा। अगर हम सुवाद से सबा लिखते हैं तो वो हवा का नाम है सबा, हवा के भी कई नाम हैं। बादे सबा, बात कहते हैं हवा को, बादे सबा, बादे सुमूम, बादे सरसर। अरे आप बोलेंगे क्या है, तो मालूम कि अहले इल्म ने हर मौसम हर मुकाम के लिए अपना अपना एक उनवान और एक एक नाम दिया है। हुदूद पहुंचा मुल्क सभा में, वहां उसने देखा कि बड़े बड़े इख्तदार हाकिम मैंने उसने देखे थे, लेकिन वहां हुकूमरत करने वाली एक औरत है, खातून है, और बड़े बड़े सरदार उसके आगे सरनिगू हैं खड़े हैं। तो उसने तलाश किया, उसने अपनी तहकीक की तो मालूम हुआ कि वो खातून या वो मलिका गैर मामूली फरीस नहायत होशियार दाना और साहिब इख्तदार के मर्द उसके ज़ेर नगी हैं और मुख्तलिफ उमूर पर वो अपनी हुक्मरानी जताई हुई है और खूबसूरत भी बहुत है। लेकिन वो वादहुला शरीक की परस्तार या उसकी मुती या उसकी फर्मा बरदार नहीं है, बल्कि वो सितारों की परस्तिश करती है, चांद सूरज को अपना इलाह मानती है। वो वापस आ गया, यहां दरबार का वक्त गुजर गया। दरबार में जब देखा गया तो मालूम हुआ कि हजरत सुलेमान के पास उजरा की जो नशिस्तें हैं उस नशिस्त में हुदूद की नशिस्त खाली है, हुदूद गायब है। आपने कहा कि मालूम तो करो कि हुदूद की ये गैर हाजिरी आखिर किस वजह से है। मालूम किया गया तो हुदूद आकर बहुत ही बादब उसने कहा कि आए पैगंबर हक, आपकी जनाब में मैं ये अर्ज करूं कि मेरी ताखिर की एक वजह यह हुई कि मैं आपकी सफर के जिस रुख पर आपका सफर होने वाला था उसमें पानी की निशानदेही के लिए अपनी तलाश करता रहा, एक ऐसे मुल्क पे पहुंच गया जहां के हाकिम बजाय मर्द होने के खातून वहां की एक हुक्मरान है और नहायत फरीश दानिशमंद होशियार ताकतवर और इस कदर इख्तदार की समझे के हाकिम, इस कदर मलिका है उसे कि मर्द उसके आगे सरनिगू होते हैं। तो और फिर ये कि वो लादीन है, मतलब ये कि इलाह वाहिद की परस्तिश नहीं करती और किसी पैगंबर को वो अपना उनकी शरीयत की पाबंदी नहीं करती। तो आपने कहा कि बात मालूम करें, तो आपने कहा कि ठीक है अब हमें कद दे देते हैं, मुख्तसर करके कह रहा हूं मैं, आप पढ़ लें तफासिर में। तो आपने कहा कि खत पहुंचा दो और उसमें आपने दावत तबलीग दी कि ऐ मलिका साहिब इख्तदार होने के एवज मैं तुझे मुबारकबाद भी देता हूं, लेकिन ये कहता हूं कि हुकूमत तो सिर्फ अल्लाह की है और अल्लाह के जो मुंतखब बंदे हैं उनको हुकूमत दी जाती है ताकि वो उसके बंदों पर रहम करम के साथ मसाइल को उनके दुरुस्त करें, उनकी जिंदगियों को आसूदगी से दो चार करें, उनको इत्मीनान और चैन की जिंदगी नसीब हो जाए ताकि वो मेरी इबादत में एक सू होकर मेरी तरफ रुजू हो जाए। तुम्हें हाकिम इसलिए बनाया गया है कि अवाम के मसाइल हल करें
और मैं तुम्हें दावत देता हूं कि उस परवरदिगार की तरफ तुम रुजू हो जाओ जिसका मैं पैगंबर हूं, जिसका मैं मुसेंजर या सफीर हूं, जिसका मैं फरिश्तादा हूं, जिसका मैं खलीफा हूं। यह खत लेकर पहुंचा, मलिक सबा ने खत पढ़ा, बहुत मुतासिर हुई। उसने कहा कि यकीनन हाँ, आपने ये भी लिखा कि परवरदिगार ने मुझे इतनी वसी और अजीज अरीस सल्तनत दी है कि शायद तेरे पास भी इस कदर हुकूमत व इख्तदार नहीं है। तो उसने कहा कि जब ऐसा है मामला, तो अपने वजीरों से उसने मशवरा करके कहा कि चलो इस हाकिम से भी हम मिल लेते हैं। तो उसने जवाबन ये कहा कि तोहफे तवायब भेजे और कहा कि सुलेमान पैगंबर से कि मैं आपकी खिदमत में आपसे मुलाकात की ख्वाहिशमंद हूं। आपने कहा कि चलिए, एक मलिका एक बादशाह एक पैगंबर के पास मिलना चाह रहे हैं, चलिए। वो जब खत आया तो आने के बाद आप भी अपने ज़ाहिर एक मुल्क का बादशाह किसी दूसरे मुल्क के बादशाह को के पास आता। आज भी हमारे पास देखिए, जब कोई सल्तनत का सरबराह किसी दूसरे सल्तनत के सरबराह के पास जाता है तो उसकी आवभगत होती है, इस्तकबाल के मुख्तलिफ तरीके अख्तियार किए जाते हैं ताकि उसकी इज्जत और तौकीर में किसी किस्म की कमी ना हो और वो मकाम और मरतबा भी उसके सामने दिखाया जाए ताकि वो मरूब भी हो जाए कि हमारे पास इतनी ताकत है, हम आपसे बड़े हैं और क्या क्या कुछ हैं। एक मसला ये भी होता है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक बात कही कि चलिए मलिका हमारे पास आ रही है, ऐसा कोई शख्स है कि मैं चाहूंगा। हाँ, उसने हुदूद ने कहा कि वो एक बड़े तख्त पर बैठती है और बड़ा अजीम तख्त है वो, और बात तारीफ की उस तख्त की, और उस तख्त की तारीफ वाकई तारीफ के काबिल है वो तख्त। आप जनाब हिफ्ज़ुर रहमान साहब की किताब कससुल कुरान पढ़ें आप, तो उसमें इस खत की तख्त की पूरी तफसील आपको मिल जाएगी। कई वज़्न मन और कई गज बड़ा चौड़ा तफसील है। खैर, वो उसने कहा कि है कोई हमारे दरबार में ऐसा शख्स जी कि जो मलिका के आने से पहले, मलिका के आने से पहले उस पर जो बैठ उस जिस तख्त पर वो बैठती है वो तख्त खुद मेरे दरबार में आ जाए लाले, ताकि उसको मेरी कुव्वत और इख्तदार जो परवरदिगार ने मुझे अता किया है उसका भी मुजाहरा हो जाए। ये मंशा नहीं था कि मेरी ताकत का इजहार हो, ये मंशा था कि परवरदिगार की अजमतों का इजहार भी हो जाए कि परवरदिगार के मुंतखब बंदे हजरत सुलेमान पैगंबर जो पैगंबर बरहक हैं उनकी ताकत और उनका इख्तदार उनकी अजमत का यह आलम है कि जिस तख्त पर तुम बैठते हो वो तख्त भी मेरे दरबार में मौजूद है, उस तख्त पर बैठकर मुझसे गुफ्तगू कर लो। बड़े अदब के साथ एक जिन आपकी खदमत में खड़ा रहा, उसने कहा कि हजरत सुलेमान पैगंबर से उसने इस्तदा की, आप मुझे हुक्म दें तो मैं चंद घंटों में वो तख्त आपकी खिदमत में पेश कर दूँ। आपने कहा कि ठीक, कोई और। फिर आप फिर एक हवा का जो जिन था या हवा खुद थी उसके बारे में कहा कि उसने आगे बढ़कर कहा कि ऐ पैगंबर खुदा, आप मुझे हुक्म दें तो फिर मैं आपकी खिदमत में आधा घंटा घंटे में आपकी खिदमत में मैं पेश कर दूँ। फिर हजरत सुलेमान नामुतमईन नहीं हुए, फिर कहा कि अगर और कोई शख्स ऐसा है कि जो इस खदमत को अंजाम देने के लिए तैयार व आमदा है, ऐसे में आपके वजीर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के वजीर, मैं वजीर पर बात कर रहा हूं, वजीर के माने मैंने आपको बता दिए कि बोझ उठाने वाला है, इख्तदार में जो हिस्सा है लेकिन वो साहिब इख्तदार नहीं है, अपनी हद तक इख्तदार रखता है, उनका नाम है आसिफ बरखिया। आसिफ बरखिया बहुत ही अदब के साथ हजरत सुलेमान की खिदमत में अर्ज किया कि ऐ पैगंबर हक, अगर आप मुझे इजाजत फरमाएं अता फरमाएं तो मैं पलक झपकने से पहले या पलक झपकने के वक्त में उस तख्त को आपकी खिदमत में पेश कर दूं।
कुरान पढ़िए तो मालूम होगा है कि कुरान में लफ्ज इस्तेमाल किया गया है तुरफतुल ऐन, ऐन कहते हैं आंख को, तुरफा कहते हैं पलक छपकने की कैफियत को। कुरान पढ़िए मालूम होगा। इसी वजह से कहा जाता है हमारे बुजुर्गों औलिया का तरीकेकार ये था कि कुरान को इस तरह पढ़ते थे, जैसा कि मैं अक्सर कहता हूं कि इकबाल की मंजिलों में इकबाल ने एक मरतबा जब कभी उनके वालिद से पूछते, वालिद उनसे इकबाल से पूछते कि बाबा आपने कुरान की तिलावत कर ली, तो इकबाल का जवाब होता था कि हाँ बाबा जान मैंने पढ़ ली, किताब की तिलावत हो गई। एक दिन इकबाल के जहन में बात आई कि आखिर ये बाबा मुझसे हर वक्त क्यों पूछते हैं कि बाबा आपने कुरान की तिलावत कर ली, क्या आपने कुरान पढ़ ली, और मेरा जवाब ये होता कि मैंने पढ़ ली कुरान को, कलाम की तिलावत हो गई। आज तो उनसे जवाब ये पूछूंगा कि आखिर आप ये इस्तफसार क्यों करते हैं, क्यों पूछते हैं। बहुत ही अदब के साथ उन्होंने कहा कि अब्बा जान ये तो फरमाइए कि जब भी मैं तिलावत करके आता हूँ आपके सामने सलाम करने के लिए, तो आप मुझसे पूछ लेते हैं कि क्या बाबा इकबाल आपने कुरान की तिलावत कर ली, और मेरा जवाब होता था कि यकीनन मैंने कुरान की तिलावत कर ली। बहुत ही मुस्कुराते हुए मोहम्मद नूर साहब, जिनका इकबाल का नाम था उनके वालिद का, उन्होंने कहा कि बेटे इकबाल कुरान को तुम ऐसे पढ़ो कि जैसे वो तुम पर नाजिल हो रहा है, कुरान को तुम ऐसे पढ़ो कि जैसे तुम पर वो नाजिल हो रहा है, और अल्लाह ताला का हुक्म यह है कि कुरान को ऐसा पढ़ो कि उसमें तदब्बुर की गुंजाइश है। अफला यतदब्बरून अल-कुरान, कुरान पढ़िए तो मालूम होगा। अरे कभी तुमने कुरान में तस्करा किया, फिक्र किया, तदब्बुर किया, सोचा कि आखिर ये कुरान क्यों नाजिल किया गया, किसके लिए नाजिल किया गया, कि रसूलुल्लाह पर नाजिल कर दिया गया, हो गया मामला खत्म? नहीं, ये तो बनी इंसान के लिए कयामत तक के आने वाली नस्लों के लिए एक हिदायत का मंशूर है। अब अंदाजा कीजिए कि इकबाल के वालिद ये कह रहे हैं कि कुरान का नुज़ूल तुम्हारे पर। इकबाल बरसों के बाद एक शेर लिखते हैं, बरसों के बाद उसके वाक्य को याद करके उन्होंने ये शेर लिखा कि तेरे जमीर पे जब तक न हो नुज़ूल किताब, तेरे जमीर पर, इनर कॉन्शियसनेस जिसे हम कहते हैं, तुम्हारा अपना जी, तुम्हारा अपना नफ्स, तुम्हारा अपना कल्ब, तुम्हारी अपनी रूह पर जब तक कुरान का नुजूल ना हो जाए, तो फिर क्या है, गिरा कुशा है नाराजी न साहिब कशा। चाहे वो इमाम फखरुद्दीन राजी हों या हजरत इमाम जैनुल आबिदीन साहिब कशाफ हों, वो भी तुम्हारे मसाइल या तुम्हारी कल्ब की कैफियत को हल नहीं कर सकते। और फिर ये कि कुरान में हो तजन ए मर्द मुसलमान, अल्लाह करे तुझको अता जिद्दत किरदार। फिर फारसी में एक जगह कहा तुझे कुरान से मुमकिन नहीं, उर्दू में ही कहा कि तुझे कुरान से मुमकिन, तुझे किताब से मुमकिन नहीं फराक के तू किताब कहाँ है मगर साहिब किताब नहीं। अब इस उनवान पर आप ढूंढिए तो इकबाल के अशआर बेशुमार मिल जाएंगे, लेकिन मुझे ना अब यहाँ इकबाल की बात तो नहीं है, मुझे तो निज़ामुल मुल्क तूसी की बात करना है। तो मैं अर्ज कर रहा हूँ कि आसिफ़ बरक़िया ने क्या कहा, तुरफ़तुल ऐन के पलक झपकने तक मैं आपके खदमत में वो तलक तख्ते मलिक सबा पेश कर दूँ। और हुआ यही और वो वजीर सुलेमान पैगंबर एक पलक झपकने से पहले आपके पास वो तख्त मौजूद था जिसे मलिका सबा देखकर हैरान हुए। तफसीलात बहुत हैं, वो आई कैसे आई, उनकी गुफ्तगू क्या है। यहां मुझे बताना है कि निज़ामुल मुल्क तो उसी का आलम क्या था, क्या वाकई वजीर बातदबीर और मुदब्बिर वजीर की हैसियत रखते हैं? हाँ, ये जो है तो उस एक मुकाम है जिसे कहते तूसी का आदत हैदराबाद से हैदराबादी, दखनी से दखनी, लखनऊ से लखनवी, दिल्ली से दहलवी, कलकत्ते से कलकत्तवी, इसी तरह मकाम की निस्बत से वो तूसी कहलाए। हजरत इमाम मुहक्किक के शागिर्द थे। अभी मोहतरम उमर अली खान से गुफ्तगु हुई थी नमाज से पहले, आपने मुझे याद भी दिलाया। वैसे मैं समझता था कि दौरान गुफ्तगु हुई बात आ ही जाएगी, लेकिन मैं अर्ज करूँ आपसे
یہ بات یاد رکھیے، تاریخ شخصیات کا مطالعہ کرواتی ہے، سیرت نگاری کا ایک باب کھولتی ہے، کردار نویسی کا ایک چیپٹر آپ کے سامنے کھولتے کی بتاتی ہے کہ یہ کیا کیریکٹر ہے۔ چنگیز اور ہلاکو بھی تو تاریخ کے کردار رہے ہیں، ہٹلر اور نیپولین اور بوناپارٹ بھی ایک اپنا ایک کردار رکھتا ہے۔ ایسے بڑے بڑے شخصیات کا مطالعہ تاریخ کی ایک حصہ، تاریخ دانی کا ایک حصہ ہے۔ تو آپ یہاں بتا رہا ہوں آپ کو کہ امام محقق کے یہ تین شاگرد، یہ تو کئی شاگرد ہوئے ہوں گے لیکن یہ تین شاگرد اپنی جگہ بڑے معروف اور مشہور اور غیر معمولی اپنی سمجھے کہ حیثیت سے ہے۔ کیا ایک ہے حسن بن صباح جس نے زمین پر جنت بنائی تھی، جنت تو اللہ تعالیٰ نے بنائی کسی نے دیکھا نہیں، لیکن اس کا ذکر قرآن میں بھی ہے، جنتوں کے نام بھی ہیں میرے دوستوں بزرگوں۔ ہم جس کو دار الخلد کہتے ہیں ایک جنت ہے، دار النعیم جسے کہتے ہیں جنت ہے، خود جنت ایک کا نام ہے، ارم اس کا نام ہے، فردوس اس کا نام ہے، بہشت اس کا نام ہے، کتنے نام ہیں۔ کہا جاتا کہ آٹھ جنت ہیں، آٹھ دوزخ ہیں، دوزخوں کا بھی نام ہے، نار، جہنم اور سخر۔ یہ ذرا پڑھیے تو، ذرا سمجھیے تو اندازہ ہوگا کہ قرآن، جیسے امام غزالی نے کہا کہ قرآن میں پروردگار عالم نے اتنے علوم کو اجزا فرمایا ہے، اس کا ادراک کرنا انسانی فکر سے کو فکر کو عاجز کر دیتا ہے، لیکن میری دانش میں 50,000 سے بھی زیادہ علوم قرآن میں موجود ہیں۔ حضرت امام غزالی فرما رہے ہیں، امام غزالی کا مقام و مرتبہ کیا، قرآن کے علوم کا کیا درک کیا جا سکتا ہے، اب اندازہ کیجیے۔ تو یہاں یہ معاملہ بھی آ رہا ہے کہ امام محقق کے تین شاگرد حسن بن صباح جس نے اس جنت کے تصور کو زیر زمین قلعہ الموت، قلعہ کا نام ہے جی، اور اس قلعے کی سمجھے کہ پناہ گاہوں میں اس نے جنت بنا دی تھی۔ جنت میں کیا ہے؟ دودھ کی نہریں، شہد کی نہریں، پھل، پھلار، خوشبو، حور، غلمہ۔ یہ حور کیا ہے، غلمہ کیا ہے؟ حور 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 یعنی خواتین ہیں، غلمہ غلام ہیں، یہ سب ہے۔ اب یہ تمام چیزیں اس نے فراہم کی، اب فراہم کیسے کرے گا ایک شخص، وہ ایک طرف داستان ہے۔ عبدالعلیم شرر نے فردوس بری کے نام سے ایک پوری کتاب لکھ دی، اور اس پوری کتاب میں اس نے حسن بن صباح کی زیر زمین جنت کا نقشہ کھینچ دیا۔ یہ حسن بن صباح ایک، عمر خیام دو، اور تیسرا دوست یا تیسرا ساتھی نظام الملک طوسی، ایک ہی استاد کے شاگرد پڑھ رہے ہیں۔ نہایت فریض، ہوشیار، تبا، جویائے علم، علم کو حاصل کرنے کا غیر معمولی ان کے اندر ملکہ، حافظہ، بلند بلا کا حافظہ، خود نظام الملک تو اسی قرآن کا حافظ۔ اس کی عظمت کا اندازہ کیجئے کہ وہ ہر وقت باوضو رہتا تھا، جب وہ قرآن کی تلاوت کرتا تو ٹیک نہیں لگاتا تھا۔ قرآن کی عظمت و احترام کے خاطر سے باوضو رہنا خود کرامت سے کچھ کم نہیں ہے، اور قرآن کا مسلسل تلاوت کا، اور حافظ تو بس اللہ کی دین ہے وہ تو، لیکن صرف اللہ کی دین کہنے سے کا کچھ حاصل نہیں ہوتا ہے۔ من جدہ و جد، جس نے کوشش کی اس نے پایا، ارے کوشش نہیں کریں، سامنے پلیٹ رکھ لیجیے، نہایت اعلیٰ دے دی کے انواع قسم کی نعمتیں اس پلیٹ میں موجود ہیں، اور ذکر کرتے رہیے، پیٹ بھر جائیے، پیٹ بھر جائیے، پیٹ بھر جائیے، پیٹ بھر جائیے، قیامت تک اگر اللہ نے آپ کو زندگی دی ہے، پیٹ نہیں بھرنے والا ہے۔ کیا کرنا ہے اس کے لیے؟ اس کے لیے عمل کرنا ہے، وہ حرکت کرنا ہے۔ وہ حرکت یہ ہے کہ وہ نوالا بنے،
حلق میں اترے پیٹ میں جائے تب کہیں آپ کے جسم میں طاقت و قوت آ سکتی ہے وہ بھی پروردگار کے حکم سے. غور تو کرے. تو عمر بن عمر خیام کے ساتھ نظام المنتوسی جب فارغ ہونے لگے پڑھ لیا دو چار سال جب بھی جتنا وقت تھا وہ درس کے مکمل ہونے کا پڑھ لیا اور جب نکلنے لگے تو تینوں نے آپس میں ایک عہد کیا آپس میں وعدہ لیا ایک دوسرے سے کہ اگر پروردگار نے اب آپ کی اپنی زندگی میں تمہیں اگر صاحب اقتدار بنایا ہے اور تمہارے پاس ملک و مال آ جائے اور جائیداد آ جائے صاحب اقتدار ہو جائے تم صاحب تم تمنگر ہو جاؤ تو پھر اپنے دوسرے جو دو دوست ہوں گے ان کی مدد تم پر فرض ہو جائے گی واجب ہو جائے گی یا اس تمہاری اخلاقی تم پر فرض ہی ہوگا کہ تم اس کی مدد کرے. خدا کی مہربانی خدا کی عطا اس کا تو پوچھ نہیں کیا کہ خطاؤں پر عطا کرتے ہیں. تو پھر حضرت پروردگار نے نظام المنتوسی کو ایک مقام دے دیا. وہ پہنچا خراسان الپ ارسلان کا زمانہ تھا. سلجوقی خاندان ہے بغداد میں عباسیہ خاندان ہے خراسان میں الپ ارسلان سلجوقی یعقوب بن سیف یعقوب بن لیث صفار سلجوقی جو تھا اس کی نسل کے لوگ ہیں اور الپ ارسلان کا زمانہ ہے. تو وزیر اعظم کی حیثیت سے نہیں بلکہ ایک وزیر کی حیثیت سے الپ ارسلان کے پاس نظام المنتوسی ملازم ہوا یا اس کو منتخب کر لیا گیا. لیکن کچھ ہی دو تین سال کے بعد جب الپ ارسلان کا انتقال ہوا تو اس کا جانشین اس کا بیٹا محمد شاہ سلجوقی. یہ زمانہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں آج 2013 ہے. آج سے ٹھیک 1010 یعنی صرف 1004 برس پہلے نظام المنتوسی کا زمانہ ہے. 1017 میں وہ وہاں موجود ہے اور ہم 2013 میں آپ کے سامنے گفتگو کر رہے ہیں. 1000 سال کا زمانہ درمیان میں. لیکن دیکھیں تاریخ کہاں سے کہاں پہنچا رہی ہے. کردار اور سیرت کا کیا مقام و مرتبہ آپ کو حاصل ہو رہا ہے اس نسبت سے آپ اندازہ کیجیے. نظام المنتوسی محمد شاہ سلجوقی کا وزیر اعظم ہو گیا. اس نے اپنا وعدہ نہیں بھولا. اس نے اپنے دوستوں کو بلایا عمر خیام کو بلایا حسن بن صباح کو بلایا. اس نے کہا کہ دیکھو آج میں صاحب اقتدار ہوں اور میں اس اقتدار کے حوالے سے تمہیں کچھ عطا دینا چاہتا ہوں تم مانگو کیا ہے. عمر خیام کو نجوم سے فلکیات سے بہت دلچسپی تھی. وہ بڑا اچھا نجومی بھی تھا حیدہ تھا. وہ شاعر تو خیر بعد کی حیثیت سے بہت مشہور ہوا لیکن اس کی حیثیت حیدہ اور یازیدہ کی حیثیت سے بہت مشہور ہوئی. اس نے کہا کہ میرے لیے کچھ آپ جو اس زمانے کے جو سائنسی آلات وغیرہ جو ہوتے تھے اس کی فراہمی ہو جائے تاکہ میں ایک سوئی کے ساتھ اس کا مطالعہ کروں اور اس پر کتابیں لکھوں اور کیا کچھ کروں. نظام المنتوسی نے اس کو اس کی مرضی کے مطابق اس نے نشاپور میں اس نے ایک فلک کھول دیا ایک لیبورٹری کھول دی. حسن بن صباح جب آیا تو اس نے کہا کہ بھائی ہم نے وعدہ کیا تھا وعدہ لیا تھا تو آج تم صاحب اقتدار ہو وزیر اعظم ہو ایک حاکم کے ساتھ ساتھ تمہاری بھی حکومت کا چرچا ہے تو پھر میرے لیے تم کیا کرو. تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے تمہاری لیاقت فراست اور تمہاری غیر معمولی سمجھے دراکی کو دیکھتے ہوئے میں تمہیں وزیر بنا دیتا ہوں. وزیر بن گیا. لیکن کچھ ایسی فضلتیں ہوتی ہیں انسان کے اندر بڑی عجیب و غریب ہوتی ہیں. وہ کسی پر تکیہ نہیں وہ مطلب ہے کہ راضی نہیں ہوتے بلکہ کچھ اور زیادہ کی خواہش ہونے لگتی ہے طلب زیادہ بڑھتی جاتی ہے. نتیجہ یہ کہ یہ حرص و ہوا کی مارے اس نے کہا کہ بھائی تم تو وزیر اعظم ہو اور میں ایک وزیر مجھے کچھ اور چاہیے. تو اس نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے وقت کے ساتھ میں بھی تو آتے ہی وزیر اعظم تھوڑی بنا. لیکن حسن بن صباح چونکہ فطرتاً
उसके ज़हन व क़ल्ब में फसाद था, उसने एक नए फ़िरक़े की, नए मजहब की बुनियाद रखी और फ़िरक़े बातिनिया कहलाने लगा, छुप कर काम करने वाले। उसके अक़ायद बड़े गरीब, अजीब व गरीब, और उसने साजिशों के ज़रिए से ये मालूम करने की कोशिश की कि निज़ामुल्मुल्क तूसी को क्या क्या हासिल होता है, उसके साथ क्या क्या उसके साथ रियायतें हैं और क्या हैं और कुछ हैं, आखिर मुझे इसको इसका हुसूल क्यों नहीं है और मुझे कैसे हासिल करना चाहिए। इस दौरान हसन बिन सब्बा से मुख्तलिफ मुलाकातों में वज़ीर होने के नाते मिलते थे। उसने कहा कि मैं तुम्हें और भी कुछ अता करूँगा, लेकिन मुझे मालूम हुआ कि तुम मेरे ख़िलाफ़ साजिशें करते हो, मेरे ख़िलाफ़ किसी न किसी उनवान से लोगों को बहका रहे हो। लेकिन उसने माना नहीं, बल्कि ख़ुद को दूर दूर रखते हुए भी वजारत की ख्वाहिशमंदी से उसने इज़हार किया। पता लगा कि वो ख़ुद वज़ीर आज़म बनना चाहता है और निज़ामुल्मुल्क तूसी को अपने ज़ेर नगीं रखना चाहता है। उसने इसको रोक नहीं किया। फिर दरमियान में इसने फ़िरक़े बातिनिया का जो इजहार किया वो बड़ा, बल्कि का तारीख के एतबार से ऐसा मरहला था कि इस्लामी तारीख में, बल्कि ये कहना चाहिए कि यह बहुत बड़ा इस्लामी फितना था इस्लाम की तारीख में, ये बहुत बड़ा फितना फितने बातिनी का कि वो छुपे हुए अंदाज से इस्लाम और दाई इस्लाम के खिलाफ काम करते थे, खुदा और रसूल के अहकाम की मनाफी में अपने कुछ ना कुछ नए नए काम करते थे। खैर वो तफसील अलग है, फ़िरक़े बातिनिया ख़ुद एक मौजू अलग है, लेकिन यहाँ उसने इस बात की कोशिश की कि वो अपने इख्तदार को हासिल करने के लिए ये क़ुव्वतों का इस्तेमाल करने लगा। और आखिरकार एक वक्त ऐसा आया कि 1092 ईस्वी में, यानी करीब 75 साल की उम्र में, निज़ामुल्मुल्क तूसी को शहीद होना पड़ा, और वो भी हसन बिन सब्बाह के एक बातिनी रुकन की तरफ से। लेकिन ये बात याद रखिए कि वजीर होने के नाते उसने 25 बरस वजारत उज़्मा पर अपनी खदमात अंजाम दी। उसका आलम यह था, मैंने अभी जैसे अर्ज किया कि वो बावजू रहता था, तिलावत कुरान का बड़ा शायक था और बड़े एहतमाम के साथ, उसने यही नहीं बल्कि तमाम अपने रियासत में गरीब गुरबा और साहिब फरियाद के लिए दरवाजे अपने खोल दिए थे और सड़कें बाग़ात वगैरह की, ये तो रिफाए आम के जितने काम थे वो सब के सब करवा दिए थे। और फिर सबसे बड़ी बात ये कि हाजियों के लिए उसने उस जमाने में रास्ते भर में, यानी अगर कोई शख्स निशापुर खुरासान और बगदाद वगैरह की तरफ से चल पड़ता तो फिर उसके रास्ते में जगह जगह पर क्या के सराएं होती और पानी का इंतज़ाम होता, रिहाइश का बड़ा माकूल इंतज़ाम होता, ताकि एक सुई और इबादत के साथ साथ मोहब्बत रसूल और अल्लाह की मोहब्बत में हाजी अपनी तरफ चल पड़े। निज़ामुल्मुल्क तूसी का एक और कारनामा भी मैं आपको बता दूँ, वक्त बड़ा कम होता है, बातें बहुत सारी होती, मैं अर्ज़ करता हूँ कि कभी कभी बातें करते करते मुझे सोचना पड़ता है कि किस बात को समेट के जल्दी से जल्दी बात ख़त्म कर दूँ। निज़ामुल्मुल्क तूसी का एक बड़ा कारनामा यह है कि बगदाद का निज़ाम मदरसे निज़ामिया का क़याम है। मदरसे निज़ामिया हमारे पास भी है, ये भी बड़ा अजीम एक यूनिवर्सिटी है, लेकिन निज़ामुल्मुल्क तूसी ने जो मदरसा क़ायम किया उसने मदरसे निज़ामिया के क़याम के वक्त एक बड़ा जलसा करके उसने ऐलान किया कि यहाँ हर तरह की सहूलतें होंगी और ये और तालिब इल्मों के लिए हम अकसाम के मसातिज़ा वगैरह वगैरह सब। कुछ दिनों के बाद उसने कहा कि वज़ीर आज़म की ऐसे से आखिर मैं भी ये तो देखूँ कि मदरसा चल कैसे रहा है, असातिज़ा की खिदमात क्या हैं, तालिब इल्म क्या हासिल कर रहे हैं। अचानक उसने एक दौरा कर दिया, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन, बिल्कुल सरप्राइज विजिट, अचानक सुबह का वक्त, उमूमन सुबह के वक्त में सवाइया जो मदरसे होते हैं कुरान खानी नमाज के बाद मदरसे होते हैं, पहुंचा, पहुंच के उसने सदर मदरिस से कहा कि साहब आपके मदरसे में जो जमाते हैं किन जमातों के बच्चे पढ़ रहे हैं क्या।
उसने कहा कि बड़ी जमात, छोटी जमात, इस तरह कई जमात। तो उसने कहा कि बड़ी जमात में पहुंचा और उसने सवाल किया एक नौजवान तालिब इल्म से कि मियां देखो ये जो तुम इल्म हासिल कर रहे हो आखिर इसका मकसद क्या है, किस वजह से तुम ये रोजाना तालीम हासिल करने के लिए अपने घर से चलते हो, मदरसा आते हो और पढ़ते हो, शाम तक जाते हो, मेहनत करते हो। तो उसने बहुत ही अदब के साथ खड़े रह करके जनाब अली वजीर आजम हैं आप, आपने क़याम मदरसे का क़याम अमल में लाया है और मेरा ये मकसद है कि मैं आगे इस मदरसे से फारिग होने के बाद मुल्क का मुफ्ती आजम बन जाऊं। माशाल्लाह, क्या आपका इरादा है और क्या आपकी समझे के पहुंच है और की फिक्र है। आगे बढ़ गया, चंद क्लासों के बाद फिर एक और जमात में गया, कहा कि मियां जरा तुम खड़े रहो, बताओ कि आखिर ये तुम जो इल्म हासिल कर रहे हो, ये जो दर्स तदरीस से तुम वाबस्ता हो, इस वाबस्तगी के बाद तुम आखिर अपने आप को क्या बनाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हो अपनी जिंदगी में। उसने भी बहुत ही कायदे के साथ खड़े रहकर अदब के साथ उसने किया कि ए वजीर आजम, ए मोहतरम बुजुर्ग, मैं आपके खिदमत में यह करूं कि ये मैं जो दर्स व तदरीस से वाबस्ता हूं, जो इल्म हासिल कर रहा हूं, मैं ये चाहता हूं कि ऐसा इल्म हासिल करके अपने आप को बहैसियत कोतवाल शहर पेश कर दूं ताकि लोग मेरी फिरासत, मेरी कुव्वत और मेरे दबदबे से डरे रहें, खायफ रहें और मेरा दबदबा सब पर कायम हो जाए और एक फजा बन जाए। उसने कहा कि बहुत अच्छा है। अब आगे बढ़ गया, आगे बढ़ने के बाद मायूसी के अंदाज में, अब देखिए इसमें अच्छी बात है ना सर, एक मुफ्ती आजम बनना चाह रहा है, एक कोतवाल शहर बनना चाह रहा है, तो इसमें अच्छी बात है कि इल्म हासिल करके तरक्कियों पर तरक्की हो रही है, तो फिर ये क्यों आखिर मायूस हो रहा है। उसने सदर मुद्दरिस से कहा कि मौलाना, मैंने लड़कों के जवाब सुने और मुझे बड़ा अफसोस हुआ। अब मेरी फिक्र ये हो रही है कि मैं काश ये मदरसा कायम न करता और अगर जबकि कायम कर चुका हूँ तो कुछ जमातों, कुछ सालों के बाद इस मदरसे को मैं बंद कर देना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा मंशा जो मदरसे के क़याम का था वो पूरा होता नज़र नहीं आ रहा है। तो बेचारे सदर मुद्दरिस ने कहा कि हजरत, मैं नहीं जानता कि आपका मंशा क्या है। तो कहा कि ठीक है, मैं बताऊँगा कि मेरा मंशा क्या है। मान उसने देखा कि मासूम छोटी छोटी जमात, छोटी जमात क्या बोली, इब्तदाई जमात के कुछ बच्चे बैठे पड़े हैं। तो उसने बहुत ही गौर से देखा, इसने कहा चलो चलते चलते इन मासूमों में से किसी एक से पूछ लेते हैं कि आखिर इन बच्चों को भिजाने वाले वालदैन और ये बच्चे यहां पहुंचकर क्या बनना चाहते हैं। बस जब पहुंचा छोटी सी जमात में, सबसे इब्तदाई जमात में पहुंच के देखा तो एक बहुत खूबसूरत सा लड़का नजर आया। उसने कहा कि बाबा इधर आइए। कहा कि बेटे ये बताइए कि आप ये इल्म सीखने के लिए ये मदरसे को जो तशरीफ ला रहे हैं आखिर इसका मंशा मकसद क्या है। उस तालिब इल्म ने नहायत अदब के साथ पहले सलाम किया बादशाह वो वजीर आजम को, मलिक निजामुल मुतूसी को, और उसने कहा कि हुजूर वाला, मैं ये इल्म, ये जो दर्स व तदरीस से वाबस्तगी अख्तियार किया हूँ, इसका मंशा कुछ और नहीं है कि आगे चलने के बाद खुदा और खुदा के दीन और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत को आम कर दूँ और सारे मुल्क ही नहीं सारी दुनिया में इसका रिवाज करूँ। बेख्तियार हो गया निजामुल मुल्क दूसरी, गले लिपटा लिया और कहा कि हाशा व कल्ला, मुसदर मुदरी साहब से मुखातिब होकर कहा कि मैंने अपना जहन बना लिया था कि ये मदरसे को मुकफ्फल कर दूं, बंद कर दूं, लेकिन बखुदा आज ये मदरसा कायम होगा तो सिर्फ और सिर्फ इस बच्चे के लिए जारी और सारी रहेगा कि ये यहां से फारुग तहसील होकर अपनी मुकम्मल कर ले, अपने मकसद को पूरा कर ले। आपको बताऊं वो कौन लड़का था, तारीख पढ़िए मेरे दोस्तों बुजुर्गो, अपने आबा के बाद अपने सलफ के बारे में जानिए कि क्या मालूम, वो लड़का कोई और नहीं था इमाम आजम अबू हनीफा नौमान इब्ने साबित रहमतुल्लाह अलैह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। निजामुल मुल्क तूसी का कायम करदा मदरसे निजामिया है,
निज़ाम उल्मुल्क तुसी के ऐसे कई कारनामे हैं। मैं अर्ज कर रहा हूँ कि मैंने हारून अलैहिस्सलाम जो मूसा अलैहिस्सलाम के वजीर हैं, अल्लाह ने फरमाया, मैंने, और फिर आगे पढ़ते हुए मैंने सुलेमान अलैहिस्सलाम के वजीर आसिफ बरखिया का भी हवाला दिया, और फिर आगे बढ़ने के बाद मैंने निज़ामुल तुसी के बारे में भी कह दिया। एक और आसिफ का नाम मैं लेकर शायद बाद में ये खत्म होगी, जिसका नाम है निज़ामुल मुल्क तूसी नहीं, निज़ामुल मुल्क आसिफ जा। आप बोलेंगे ये क्या हुआ, निज़ामुल मुल्क आसिफ जा जो आसफिया सल्तनत के बानी है, आसफिया सल्तनत के बानी है, वो भी वजीर थे, उनका नाम था चीन खुलिज खान जी, कमरुद्दीन खान चीन खुलिज, उनका नाम था नवाब मीर कमरुद्दीन खान चीन खुलिज खान, उनके वालिद का नाम। औरंगजेब के बाद जब सल्तनत मुगलिया में उथल पुथल हो गया, हंगामे हो गए, कत्ल गारत गिरी हर तरफ हो गई, तो एक मरहला ऐसा हुआ, वक्त कम है इसलिए मैं मुख्तसर कर रहा हूँ, नादर शाह दुर्रानी आ गया रोहिल्ला था पठान अफगानिस्तान का, और नादर शाह दुर्रानी के जमाने में मोहम्मद शाह है बादशाह, और मोहम्मद शाह के बाद उनके वजीर हैं आसिफ कमरुद्दीन खान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आसिफ जाह हुआ अव्वल, बोले दुआ में सात बादशाह हो गए आपको तो मालूम है। अब एक मौका ऐसा है कि माहदा हो गया, कोई कत्ल खून नहीं, कोई लूटमार नहीं, लेकिन दिल्ली के चाने चांदनी चौक में किसी पठान को किसी देहलवी ने कुछ बुरी बात कह दी, या मुगल्लस बात कह दी, या आम तौर पर गाली दे दी, या उनको बुरा भला कह दिया, उसने ताव खा गया, नतीजा हुआ कि दोनों में मार कटाई हुई और कुछ आपस में जख्मी हुए, लड़ाई झगड़ा, तलवारें तो आदमी साथ ही रहती थी। ये इत्तला नादिर शाह दुर्रानी को, नादिर शाह दुर्रानी ने कहा कि मालूम करो क्या हुआ, तो मालूम हुआ कि वह अफगान मर गया। उसने कहा अगर ठीक तो मालूम ये हुआ कि मेरा सिपाही या मेरा जो साथी था वो कत्ल हो गया, मर गया, अब मैं इसका बदला ये लूंगा कि उसने सुनहरी मस्जिद, आज भी आप चांदनी चौक जाइए, दिल्ली की चांदनी चौक से जब आप शुमाल की जानिब जाते हैं तो आप देखेंगे वहां एक छोटी सी मस्जिद है, उस वक्त बहुत बड़ी समझ में आती थी क्योंकि बड़ी बड़ी बिल्डिंगें उस वक्त नहीं थी, छोटी बिल्डिंगें थी, छोटे मकान थे, तो उस सुनहरी बिल्डिंग, सुनहरी जो मस्जिद कहलाती है, उस मस्जिद में नादिर शाह दुर्रानी ने अपनी तलवार निकाल ली और कह दिया कि जब तक मेरी तलवार नियाम में वापस न जाए उस वक्त तक दिल्ली में कत्ल खून आम हो जाए। वही सबब नहीं है कत्ल खून का, बस कत्ल होना शुरू हो गया, बस कत्ल हो रहा है, सुबह हो गई से शाम होने लगी, शाम का वक्त आ गया, लोगों में हंगामा, तारीख में ये बताया जाता है कि सड़कों पे खून के लख्ते जमा हो गए थे, अजीब बात है। ऐसे में निज़ामुल मुल्क आसिफ जाह अव्वल नवाब मीर कमरुद्दीन खान बहुत ही बुजुर्ग हैं, सफ़ेद लिबास पहने हुए हैं, हमेशा सफ़ेद लिबास पहनते थे, पहुंचे नादिर शाह के पास मस्जिद में, बड़े अदब से उसने एक फारसी शेर उन्होंने पढ़ा, उसका मतलब यह कि ऐ बादशाह वक्त, आपको कत्ल खून से इतनी दिलचस्पी है, कत्ल गारतगरी से, कत्ल कशी वो आपको कत्ल करने से इतनी दिलचस्पी है, तो फिर एक काम कीजिए कि पहले मुर्दों को फिर जिंदा कीजिए और फिर कत्ल आम कीजिए। तो बादशाह चौंका, उसने कहा कि क्या शेर कहा, उसने कहा कि कौन है, कौन है, फारसी में पूछा कि आप कौन है, तो उसने कहा कि आसिफ जाह, तो उसने फारसी में फिर पूछा कौन आसिफ जाह। देखिए फिरासत की भी बात होती है, बादशाह भी बादशाह होते हैं, उसने कहा कि कौन आसिफ, तो उन्होंने कहा कि एक वजीर पैगंबर हक सुलेमान अलैहिस्सलाम। हाँ ये कहा है, उसने ये कहा कि आसिफ ना, हाँ इसमें पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, तो उन्होंने कहा कि आसिफ ज,
जा। तो आसिफ सुलेमान पैगंबर के वजीर थे ये, तो पहले उनका मैं हमनाम हूं, फिरासत और ही कहा के भाई सफेद रेश बख्शी तक, तुम्हारी ये सफेद रेश दाढ़ी को देखते मैंने बख्श दिया। और फिर उसके बाद उसने तलवार नाम में रख ली। ये इत्तला बाहर आई कि बादशाह ने अपनी तलवार नाम में रख ली है, कत्ल खून बंद हो गया। वजीर ऐसे होते हैं, वजारत ऐसी की जाती है, मसाइल ऐसे हल किए जाते हैं, आवाम की खिदमत यूं होती है, परवरदिगार का खौफ, रसूल अकरम की मोहब्बत और इस तरह का क्या अंदाज होता है। आपकी खिदमत में कुछ मारूजे मैंने पेश किए। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, ये सारी चीज़ें इंसान के हिसाब से हमारी फिक्र को नए नए रुख पर नई जहतें अता करने के लिए होती हैं। ज़रूरत इस बात की है कि हम अपने बच्चों को ही सही, अपने ख़ानदान में ही सही, इन तमाम वाक़यात का जैसे तैसे हों इजहार करें, उनके बारे में समझाएं, उनके किरदार को बनाने की कोशिश करें, ताकि यही कौम आने की आने वाली नस्लों की इमामत भी कर सकती है, अगर इनके अंदर वो जज्बे कुव्वत, वो जज्बे मोहब्बत, वो जज्बे इताअत मौजूद है। व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही محمد وعليه وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين والحمد لله رب العالمين।